आजमगढ़ जिले के दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने औतरौलिया में विपक्ष पर जमकर हमला बोला, तो वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने वादा किया कि योगी सरकार टॉपर बच्चों के लिए घर तक सड़क बनवाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आजमगढ़ सरकार की प्राथमिकता में शामिल जिला है, यहाँ के विकास में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यूपी बोर्ड के रिजल्ट में जो टॉपर बच्चे हैं उनके घर तक बहुत शानदार सड़क बनाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर वह कदम उठाएंगे जो आवश्यक हो। निर्धारित समय से करीब एक घंटे देरी से पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने औतरौलिया के भुरारपुर खुर्द में 75 ग्रामीण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देने हेतु आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के विकास के लिए बनी है, हम टॉपरों को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रहे हैं, लोक निर्माण विभाग टॉपरों के घर तक सड़क बनाने का कार्य करेगा। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कलेक्ट्रेट भवन में बतौर प्रभारी मंत्री जिला योजना समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधियों के विकास पर चर्चा होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में जिले के विकास के लिए 58,199 लाख परिव्यय तय हुआ था, जिसमें 2,231 लाख आया और खर्च हुआ। वहीं 2018-19 के लिए 60,430 लाख रुपए का परिव्यय तय हुआ है कि 2017-18 में जो परिव्यय 58,199 लाख का यहाँ पर निर्धारित किया गया था, उसमें से 2,231 लाख रुपए जो प्राप्त हुए और जिला के योजना समिति के सभी विभागों को इस बात के लिए मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने 100% खर्च करने का काम किया है और इस वर्ष 2018-19 के लिए जो आज यहाँ पर बैठक हुई है 60,430 लाख का परिव्यय आज यहाँ पर तय किया गया है। हालांकि जिला योजना की बैठक में मौजूद सपा के एमएलए नफीस अहमद ने डिप्टी सीएम के दावे पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि कहीं कोई ठीक से चर्चा नहीं हुई, लग रहा था कि डिप्टी सीएम को कहीं जाने की हड़बड़ी है। आज की जो मीटिंग थी हम लोगों ने बड़ी उम्मीद की थी कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं और वो जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि उनका कार्यक्रम कहीं था, वो जल्दी में थे और वो जल्दी जल्दी में चले गए और तमाम ऐसी चीज़ें जो माननीय सदस्यगण माननीय विधायकगण उनके समक्ष रखना चाहते थे उन्होंने सुना नहीं। राकेश वर्मा, आजमगढ़, जर्मन टीवी।